नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हमारे साथ एक जुझारू नेता मौजूद हैं, मनमोहन गामा झा जी, जो कि साहिबाबाद प्रभारी हैं और समाजवादी पार्टी के काफ़ी बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। आज हम इनसे खासा बातचीत करने वाले हैं बंगाल चुनाव को देखते हुए। हालांकि बंगाल चुनाव का जो मतदान जो होना है करीब 294 सीटों पे होना है और 8 चरणों में जो है 8 फेस में वहां पे चुनाव होना है और पहला जो चरण का मतदान है वो 27 तारीख को होना है। तो आज हम इनसे खासा बातचीत करने वाले हैं में जो है कुछ बदलाव होने के दौर से दिखाई दे रहा है आपको। बंगाल में बदलाव का मतलब है कि देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाना, क्योंकि जो सरकार जिस सरकार पे हिंदुस्तान की आवाम ने अपना विश्वास जताया इस कोरोना आपदा जैसे महामारी में, ये सरकार यहां भी अफसर की तलाश में लगा रहा। ये सरकार कोरोना के वक्त में भी आपने देखा कि किस तरीके किसान विरोधी बिल लाने का काम इस सरकार ने किया, और देश को आवश्यकता थी कि देश के मंत्रालय के मंत्री अपने विभाग में बैठ करके ईमानदारी से देश हित में कार्य करते, लेकिन ये सरकार और सरकार के मंत्री दे बंगाल यानी कि बंगाल को ऐसा बना दिया इन्होंने, यानी कि इनके माइंड में सिर्फ सत्ता प्राप्त करना ही रह गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। आपके माध्यम से मैं अपने बंगाल के भाइयों से अपील करूंगा कि भाई भाजपा अगर जीतती है तो कलकत्ता की संस्कृति को बदल के रख देगा। अगर आपको करीब से देखना है तो आपके पड़ोस में बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य में देखे आज विपक्षी पार्टियों के साथ किस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। मनमोहन गामा झा जी, आप ये एक बात कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए जो है बीजेपी कुछ भी कर सकती है, काफ़ी दिनों से वहाँ पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कोरोना के दौरान भी देखने को मिला, लॉकडाउन के दौरान भी देखने को मिला, लेकिन सवाल सर यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी जी को भी जो है क्या नहीं लगता है कि वो भी राजनीति कर रही हैं, क्योंकि बार बार जो है बीजेपी के नेता बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं जो रिपोर्ट है पैरों की, जो एक्सीडेंट आप बता रही हैं, जो भी चोटिल हुए हैं घायल हुए हैं उसका रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, अवसर का लाभ उठाना कोई जानता है तो वो भाजपा के लोग जानते हैं। ममता बनर्जी सोशलिस्ट है, सामाजिक है, समाजवादी सोच रखने वाली नेत्री है, और जो समाजवादी सोच रखेगा वो किसी भी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहता है। चोट लगा जग जाहिर है, अब जब चोट लगा है, अब हमने सुना कि दिलीप घोष जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है उसका किस तरीके का निंदनीय बयान आता है, एक महिला के प्रति क्या सोच हो सकती है इनकी, ये सारी बंगाल क्या दिया उन्होंने, हाफ पैंट पहन लो टांगे पूरी नजर आएंगे, चोट जो आप दिखाने के लिए साड़ी उठाते हो कितनी गलत बात है। अरे वो तो सबको पता चल रहा है कि बैंडेज है, चोट लगा हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, देखने और दिखाने की बात क्या रह गई है, और पीड़ा है तो है। सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते रिपोर्ट इसको, दिक्कत क्या है? रिपोर्ट तो डॉक्टर देगा ना, क्या ये इनके गृह मंत्रालय, इनके IB, CBI, NIA इनको पता नहीं है? सब कुछ पता है, लेकिन ये हमेशा अवसर का लाभ तलाशते रहे, क्योंकि इनके पास, इनके शीर्ष नेतृत्व के पास कभी भी ये विजन नहीं रहा कि जनता के बीच जाकर ये कह सके कि मैंने जो वादा किया अब तक उस वादा को पूरा किया और आगे भी जो मैं वादा करने जा रहा हूँ उसे पूरा करूँगा। तो इनके आपके कई बार मैंने बयानों में सुना है कि एक ही पार्टी को जो है ज़्यादा दिन तक शासनकाल करना भी जो है घातक होता है, आपके मुँह से मैंने कई बार सुना है, तो क्या नहीं लगता है आपको कि कई बार जो है बंगाल में जो TMC की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, इस बार भी नहीं लगता है कि थोड़ा बदलाव कर देना चाहिए, हो सकता है जनता को कुछ उससे भी ज़्यादा भला हो सके वहाँ पर? देखिए, जनता का भला तो बेहतर तरीके से ममता जी के नेतृत्व में हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन्हीं की सरकार बनेगी और होगा भी, लेकिन ये चुनाव महज बंगाल की विधानसभा का चुनाव नहीं है। आप देखते नहीं हो ये सरकार राज्यसभा में इसकी संख्या नहीं, ध्वनिमत से यह बिल पास कराने का काम करता है, विधानसभा में इस विधान परिषद उत्तर प्रदेश में इसका बहुमत नहीं, ध्वनिमत से बिल पास कराने का काम कर, इनकी मानसिकता जो है तानाशाह मानसिकता है। अगर बंगाल में ये जीत गए, आप देख दिल्ली को देख लें, आप दिल्ली की सरकार को चुना जनता, लेकिन उस सरकार को अपंग और कमजोर करने के लिए जबरन बिल के सहारे ये अब खुद को दिल्ली की ताकत को अपने हाथ में लेना चाहता है। तो आप सोचें, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं बंगाल के भाइयों से कि अगर गलती से भी गलती हो गई तो इस गलती की जो खामियां होगी जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा हमें, कई साल हमें लगेंगे, इसलिए वो गलती मत करना। समाजवादी सोच की नेत्री
ममता बनर्जी को अपना मत देकर उसे विजयी बनाना। ठीक है ठीक है, यहाँ पे आप बोल नहीं सकते इन चीज़ों के लिए आप किसको वोट दीजिए, लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ पे साफ तौर पे कि अगर आप मानते हैं कि ममता बनर्जी जो है काफ़ी उस राज्य का विकास कर रही हैं, लोगों में रोजगार दे रही हैं, तो फिर वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं चुनाव का प्रचार कर रही हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही हैं? हैं आप वो चीज़ों को जैसे बीजेपी कर रही है मंदिर में जा करके उस तरीके से, वो भी दुर्गा चंडी की पाठ कर रही हैं स्टेज पर चढ़ के, इस तरीके से वो कर रही हैं, तो कैसे आप देखते हैं अपने विकास को लेकर क्यों नहीं आ गया? देखिए विकास पैटर्न पे अगर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ होता तो सरकार समाजवादी पार्टी की होती और आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं। पूरे चुनाव में हमने विकास की बात की, हमने एलिवेटेड रोड की बात की, एक्सप्रेस वे की बात की, मेट्रो की बात की, और जिससे हमारा मुकाबला था झूठे और फरेबी लोगों से। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, रमजान और शमशान की बात करते हैं, कब्रिस्तान ईद और दिवाली की बात करते हैं, तो अब बाध्यता हो जाता है। कहीं कहीं राजनीतिक व्यक्ति की भी एक बाध्यता होती है। और रही जहां तक बात चंडी पाठ करने की, हर वो मैं समझता हूं कलकत्ता के रहने वाले हर हिंदू परिवार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं ओम क्लीं जुंसा न ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा, हर बंगाली हिंदुओं के जुबान पे होगा। ये इनके जाने से कोई पूजा पाठ करने लगे, चंडी पाठ करने लगे? नहीं तो क्या मतलब देश के अंदर कोई और मुद्दा नहीं रह गया है क्या? कोई और टॉपिक नहीं रह गया है? बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम चल रहा है, लोग युवा जो है काफ़ी बेरोजगार हो रखे हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, देश की तरक्की के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो बच्चे फ्री में पढ़ सकें, तो आप लोग इस चीज़ों को लेकर क्यों नहीं कर रहे हैं? जायज कह रहे हैं आप, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जिससे हमारा मुकाबला है हम उनसे बात करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आप बंगाल में आकर के ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, सोनर बंगला बनाने की बात कर रहे हैं, पहले अपने जो वादे आपने किए थे, जैसे ही मैं कहता हूं 15 लाख दे दो, जैसे ही मैं कहता हूं काला धन आ गया, जैसे ही मैं बोलूं कि भैया नोटबंदी के बाद जो पूरे देश का भला होने वाला था, GST से बहुत बढ़िया कारोबार होने वाला था, प्रधानमंत्री जी हमारे कहते थे कि 5 रुपया जब पेट्रोल पे कम हुआ तो भाग्यवान प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं, और आज जब बढ़े जा रहा तिल की तार की तरफ बढ़े जा रहा तो प्रधानमंत्री जी कहीं कोई बयान नहीं। रोजगार पे बात करूँ तो वो हमें डाइवर्ट करते हैं हिंदू मुस्लिम। क्या दीदी को भगवे रंग से डर लगने लगा है? दीदी को हमेशा भगवा रंग से डर लगा है, वजह यह है कि दीदी हिंदुस्तान के संविधान से प्यार करता है। देखिए भगवा रंग शांति का प्रतीक है, भगवा रंग बुराई को मिटाने का प्रतीक है, लेकिन जब उसी भगवा रंग को रावण अपने कंधों पर डाला था तो मेरी माता सीता भी धोखा खा गई थी, भिक्षाम देही और ये वोट देही करके पूरे जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज ममता बनर्जी जी धन्यवाद के पात्र हैं कि माँ दुर्गा के रूप में माँ दुर्गा की पूजा करके इन आतताइयों का विनाश करने के लिए पाँव में दर्द के बावजूद व्हील चेयर पर चलकर कलकत्ता के रन को जीतने का काम करेंगे। टीएमसी के कई सारे नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, देखिए कई सारे नेता ऐसे शामिल हुए हैं, तो कैसे आप बात कर सकते हैं इस चीज़ को? ईडी का डर किसी को CBI का डर, किसी को NIA का डर, तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा मित्रों वही लोग राजनीति करो, क्योंकि राजनीति का पैमाना बदल चुका है। राजनीति कल तक लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी जैसे लोग किया करते थे, जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग किया करते थे, जिन्हें सत्ता प्राप्ति उनके सुख और सुविधा का कारण नहीं होता था। सत्ता प्राप्त करना या राजनीति करने का मकसद उनका होता था कि अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। लेकिन कुछ लोग जैसे बाहुबली, जैसे आप कह सकते हैं धनाढ्य लोग, जिनको ये पता नहीं है कि आटा किस भाव बाजार में बिकता हो और वो पैसे के दम पे सांसद बन जाए, एक DM 60 साल की उम्र तक DM होता है, ये अधिकारी अपने पूरे रॉ में पूरे रॉ में अपने काम को करता है और उसके बाद फिर उसे किसी राजनीतिक दल द्वारा संरक्षण मिल जाए, राज्यसभा सांसद और सांसद बन जाए, तो निश्चित रूप से जनता का शोषण होगा, क्योंकि वो शोषण करने वाले व्यक्ति होते हैं। राजनीति करने के लिए दिल से जो है कॉलर साफ रख करके, खुद का कॉलर साफ हो तभी आप राजनीति कर सकते हैं, और जिनका कॉलर गंदा है वही दल बदल की राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है TMC का कॉलर गंदा है या साफ है? TMC का कॉलर साफ है, इसलिए जंगे मैदान में है। उनके जो सांसद जो है बार बार बीजेपी में जा रहे हैं, जो भी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं उनको ED और CBI का डर है, क्योंकि साफ है तो छोड़ने क्या जरूरत है? TMC साफ है,
वो जाने वाला व्यक्ति गंदा था, लेकिन अब भाजपा में चला गया तो वो गंगा में नहा लिया है। जब तक भाजपा में होगा उसे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। माहौल ये कहता है कि देश बचा लो, ये माहौल कहता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को बचा लो, ये माहौल कहता है कि पुनः गुलामी की ओर जाने का जो रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रहा है इससे बचा लो। और मैं समझता हूँ कि बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पावन धरती है, सुभाष चंद्र बोस जी की पावन धरती है वो, तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी जो जाकर के लीड करने का काम किया हिंदू धर्म का, तो वहाँ का व्यक्ति देश के संविधान को बचाने के लिए धीरे 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 अमित शाह के साथ साथ जो है बीजेपी का कई जो नेता हैं बार बार मीडिया के सामने कह रहे हैं कि 200 प्लस सीटें आएंगी। यहाँ भी कह रहे थे, दिल्ली में भी कह रहे थे आपकी बार 60 पार, 3 पे रुक गए। तो इनका तो जुमला सब दिन से रहा है, ये खुद ही कहते हैं कि चुनाव में जो मैं बोलता हूँ उस पर यकीन मत करना। तो हिंदुस्तान का नागरिक समझदार हो चुका है, अब उनकी चुनावी जुमला में फंसने वाला नहीं। कितना आएंगे सीटें बीजेपी? ढाक के 3 पात आएंगे, ढाक के 3 पात, कुछ कुछ इधर से गिरेगा, कुछ इधर से मिलेगा। बस हिंदुत्व के नाम पर जितना लोगों में कॉमनलाइज कर सकेंगे वही इनकी प्राप्ति होगी। बाकी जो हिंदू हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, वो समाजवादी सोच के नेताओं को अपना वोट करेगी। तो हमारे साथ मनमोहन गामा झा जी मौजूद रहे, हमने उनसे खासा बातचीत करी बंगाल चुनाव को देखते हुए। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो है एक बड़े नेता के तौर पर जो है जाने जाते हैं, और साथ ही साथ जो है अब बंगाल चुनाव के जो मतदान जो होने हैं अब दिन प्रतिदिन जो है वो समय कम होता जा रहा है। हालांकि आज 25 तारीख है और महज कुछ ही घंटों के बाद जो है चुनाव जो है होना शुरू हो जाएगा। जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के वोटर हैं, वो मतदान देना जो है शुरू कर देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जो है सर ताज चढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा डीएसओ न्यूज़। धन्यवाद।